अब हम लोग चलेंगे ऑटो फिल में, यही है इंसर्ट का, यही है। आप यहां से भी कर सकते थे राइट क्लिक करके, या फिर अगर आपको और देखना है इंसर्ट का तो यहां पर देखिए इंसर्ट ऑप्शन है, इंसर्ट सेल करना है, इंसर्ट शीट रोज करना है, या इंसर्ट शीट करना। अच्छा, इंसर्ट में एक और चीज है, अगर आपको एक शीट इंसर्ट करना है, जैसे ये देख रहे हैं ना, ये सारा शीट है। शीट का हम क्या बताते, क्या होता है, जैसे कॉपी में हर एक पन्ना होता है, वैसे ये वर्कबुक है, एक्सेल वर्कबुक कहते हैं इस सारे को, और इसका हर एक शीट को एक शीट कहते हैं, जिस पर आप अलग अलग काम कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। तो इस शीट को मान लीजिए कोई नया शीट इंसर्ट करना है, तो इन टू इंसर्ट अ नया शीट क्या कीजिए, न्यू शीट, टू इंसर्ट अ न्यू शीट क्या करोगे आप इंसर्ट पे गए और यहाँ पे इंसर्ट शीट कीजिएगा, तो देखिए नया शीट आ गया, यस सर। फिर पुराने वाले में जाना। अच्छा, अब इसका अगर शॉर्टकट देखिएगा, ऑल्ट एच आई एस, हाँ सॉरी, ये देखिए अगर कोई शीट इंसर्ट करना है आपको, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, ऑल्ट एच आई एस, क्या है उसका, HIS हाँ ऑल्ट सीक्वेंस में है लेकिन ये एक साथ नहीं है ना, ऑल्ट उसके बाद ऑल्ट एच पे क्लिक कीजिएगा, एच अल्फाबेट एच, फिर क्या कीजिएगा आई पे कीजिएगा, फिर एस कीजिएगा, ठीक है, तो आ जाएगा ऑल्ट एच आई एस इंसर्ट हो गया। क्लियर? इसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी शीट को हाईलाइट करना है, ठीक है, किसी शीट को हाईलाइट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, टैब कलर कोई दे दीजिए उसको, ठीक है, मान लीजिए येलो कलर का, ठीक है, तो हम जान जाएंगे सारे शीट में हमको इस शीट को देखना है ना। जैसे आप लोग कॉपी में क्या करते हैं, उसको फोल्ड कर देते हैं या कोई मार्क दे देते हैं, है ना, कॉपी का कोई इंपॉर्टेंट पन्ना जहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है उसको क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं, इनको फोल्ड कर देते हैं, राइट और रॉन्ग। इसी तरह इस शीट को मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें जिसको हमको रेफर करना है, तो क्या करेंगे, टैब कलर में जाके इसको कलर दे देंगे। क्लियर? ओके। डिलीट करना है तो यू कैन इवन डिलीट इट, रीनेम करना है, मान लीजिए इसमें डालना है आपको क्लासरूम डिटेल, हर एक क्लास में कितना बच्चा है उसका स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल डालना है, इसका नाम दे दिए आप, है ना। जैसे आप नोटबुक में क्या करते हैं, सबसे ऊपर में क्या लिख देते हैं, टॉपिक का नाम, ताकि जब आप उस पेज पर जाइए तो क्या होता है, आपको पता है कि किस सब्जेक्ट के बारे में लिखे हैं, है ना, कौन सा चैप्टर के बारे में लिखे, चैप्टर नंबर नहीं लिख देते हो नोटबुक के पेज के ऊपर में, इसी तरह समझ लीजिए इसको भी, ठीक है। और क्या है ऑप्शन यहाँ पर, रीनेम कर सकते हैं, इंसर्ट तो बता ही दिए, रीनेम कर सकते हैं, मूव और कॉपी, इसको अगर किसी और वर्कबुक में ले जाना है वो भी आप कर सकते हैं। इस शीट को अगर आप, जैसे कि आपको नोटबुक में करना है तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए आप किसी दिन साइंस का नोटबुक नहीं लेकर आए तो उसमें, और साइंस की पढ़ाई हो रही है, तो आप क्या कीजिएगा, इंग्लिश के, इंग्लिश में लिखिएगा उसको, इंग्लिश वाले नोटबुक में, राइट और रॉन्ग। और फिर आपको घर में जाके क्या करना होगा, यानी तो उसको उतार लीजिए, और नहीं अगर बहुत सारा लिखा हुआ है तो यहां से पेज फाड़ के उसमें चिपका दीजिए, यस और नो, यही करोगे ना। तो यहाँ पर यानी तो आप फिर कुछ नया जो वर्कबुक है आपका, मान लीजिए इसमें हम पूरा सारा स्टूडेंट का डिटेल लिखे, ठीक है, दिलखुश, सिद्धि, मनीष, जो भी डिटेल, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल लिखे, आपको ये सारा डिटेल आपको किसमें चाहिए, ये दूसरे वर्कबुक में मान लीजिए बन गया, आपको दूसरे वर्कबुक में चाहिए, तो यानी तो आप क्या कीजिए, ये सारा को कॉपी करके फिर वहां जाके पेस्ट कीजिए, छोटा डेटा है तो चलिए हो जाएगा, यहाँ पे जाके एक नया शीट बनाइएगा, दूसरे नए, दूसरा वर्कबुक है ये, दूसरे वर्कबुक में, और जाके उसको पेस्ट कीजिएगा, ठीक है, इसको जाके यहाँ पेस्ट कीजिए, तो छोटा डिटेल लिए हैं, मान लीजिए बड़ा डिटेल रहा तो सारा कुछ आपको कॉपी पेस्ट करना पड़े, लेकिन हो सकता है कि एक शीट में बहुत सारे फॉर्मूला लगा हुआ है, बहुत सारा रेफरेंसेस है, तो आप उसको कैसे कीजिएगा, फिर वो करना आसान नहीं होगा ना, तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, उसको उस शीट को आप मूव कर दीजिएगा, मतलब समझ लीजिए एक जगह से फाड़ के दूसरे पेज में आप डाल दे रहे हैं या कॉपी कर दे रहे हैं, मूव भी कर सकते हैं या कॉपी भी कर सकते हैं इसके कंटेंट को, तो क्या करोगे, इसमें ऑलरेडी लिख लियो पूरा पेज भरा हुआ है, मान लीजिए ये टेबल है, इस टेबल को आपको दूसरे वर्कबुक में चाहिए, क्या कीजिए, राइट क्लिक, मूव और कॉपी,
उसके बाद यहाँ वर्कबुक जिसमें आपको कॉपी करना है वो वाला वर्कबुक का नाम देखिए, तो ये है सैंपल डेटा में आपको एक्सेल ट्रेनिंग वर्कबुक, एक और एक्सेल वर्कबुक खुला हुआ है इसमें आपको कॉपी करना है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, इस पेज के बाद आपको डालना है, ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो इसमें सॉरी इसका भी पेज का रुकिए, इसका पेज का डिटेल है ना, शॉर्टकट्स एक पेज है, एक शीट वन है, कंटेंट्स एक पेज है ना, तो किस पेज के बाद आपको डालना है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मूव और कॉपी जब आप करते हैं तो पहले आप सिलेक्ट कीजिएगा किस वर्कबुक में आपको सिलेक्ट करना है, पेस्ट करना है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए किस पेज के बाद डालना है। तो आप मान लीजिए शॉर्टकट के बाद डालना है तो यहाँ पर शीट वन सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद वाला शीट, तो जिस शीट को सिलेक्ट कीजिएगा उससे पहले जाकर ये पेस्ट हो जाएगा, ये सैंपल डेटा वाला शीट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है कि यहाँ पर क्रिएट अ कॉपी, मतलब कि यहाँ पर भी रखना है हमको और वहां पर भी रखना है, समझे। तो क्या करेगा, आप इसको सिलेक्ट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर भी इस एक्सेल वर्कबुक में भी ऐसा होता है ना, कोई डिटेल जो कि यहाँ पर भी रखना है और वहां पर भी रखना है, ठीक है, दोनों नोटबुक में लिखना है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, इस पे चेकबुक कर दीजिएगा तो दोनों पे कॉपी मेंटेन होगा। अब देखो यहाँ पे सैंपल डेटा इस नए वाले वर्कबुक में आ गया शॉर्टकट्स के बाद, यस और नो, और एग्जिस्टिंग वर्कबुक में भी, पहले वाले वर्कबुक में भी स्टूडेंट डिटेल के बाद आप देखिए ये वाला है, क्लियर। यस और यहाँ पर तो नए वाले में तो आ ही गया, तो ये इस तरह से फायदा होता है कि जब आप मूव करते हैं किसी शीट को तो दोनों में भी रख सकते हैं, और कंप्लीटली मूव करना है तो फिर क्या कीजिएगा, आप ये वाला को चेक नहीं कीजिएगा, ठीक है, उससे जहां भी मूव करना है उस वर्कबुक को सिलेक्ट किए और ये क्रिएट अ कॉपी को अनसेलेक्टेड ही रखना है, और जहां पर आपको ले जाना उसको ले जाइए। डन, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यस यस।